स्वागत है भाई एक और वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं फिर से हसल थ्री के बारे में। तो मैं कह सकता हूँ पिछले दो एपिसोड अभी तक के सीजन थ्री के सबसे बढ़िया एपिसोड में से एक थे। मतलब हर कंटेस्टेंट ने काफ़ी बढ़िया अच्छा गाना परफॉर्म किया। और भाई मैं बोलूँगा जियो सिनेमा से घटिया ऐप कुछ है ही नहीं कसम से। हर परफॉर्मेंस के बाद एक एक के बाद ऐड, अरे भाई इंसान पागल हो जाए, वो स्किप भी नहीं होते भाई वो ऐड, इतना गंदा ऐप है कसम से। भाई जियो सिनेमा से घटिया ऐप कुछ है ही नहीं। अंबानी भाई इतनी करोड़ों की टीम लेके बैठे हो लेकिन ये दो क्वालिटी का ऐप सुधारो यार। हर गाना खत्म हुआ ऐड, हर गाना खत्म हुआ ऐड, उनको स्किप भी नहीं कर सकते तुम। और इतना गंदा लैग होता है भाई पूरा ऐप, बिल्कुल ही कचरा ऐप है यार कसम से। और इस वीडियो में सारे कंटेस्टेंट के बारे में बात नहीं करने वाला, जो मुझे अच्छे लगे पर्सनली गाने मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगा। तो पहले बात करते हैं केडियन के बारे में, जिससे मुझे कुछ उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी 1% भी। मुझे लगा था फिर से वही कुछ स्ट्रीट सेलिब्रिटी ऐसा कुछ गाना आएगा, लेकिन बंदे ने इस बार काफ़ी अच्छा गाना परफॉर्म किया। मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगा वो। मतलब भाई अगर केडियन इस तरह के गाने और लाएगा कौन उसको बोलेगा छपरी। वैसे वो गाने में सेम वर्ड को सेम वर्ड से ही राइम कर रहा था, पर गाने की वाइब काफ़ी बढ़िया थी। और तुम बस सोचो इस गाने में उसको कितने मार्क्स मिले होंगे, दो दो सबकी तरफ से, सारे जज की तरफ से दो दो। जब ये बंदा स्ट्रीट सेलिब्रिटी हसीना ऐसे गाने परफॉर्म करेगा इसको देंगे सारे जज मार्क्स पूरे। लेकिन जैसे बंदे ने कुछ अच्छा लिरिकल कर दिया तो नहीं, सारे मार्क्स काट दो। ये लोग खुद ही प्रमोट कर रहे हैं कि बस कमर्शियल गाने बनाओ उनसे पूरा शो चलेगा। जब बंदे ने सही में अच्छा गाना बनाया तो नए कम मार्क्स दे दिए। और फिर बात करते हैं गौश के परफॉर्मेंस के बारे में। मुझे नहीं पता इन लोगों ने इतने कम मार्क्स क्यों दिए उसको। अब तो मेरी बात मानोगे नहीं लेकिन DMC ने इसके गाने को 3 मार्क्स दिए। देखो मैं नहीं कह रहा मेरी वीडियो कुछ फ़ायदा हुआ है, लेकिन कुछ तो थोड़ा बहुत तो बदलाव आया DMC में। और तुम कारण सोचो डीनो इक्का ने क्या कारण दिया होगा मार्क्स काटने का, उनको फील नहीं हुआ। मैं किसी आर्टिस्ट को बुरा नहीं बोल रहा, पर गौश का गाना बढ़िया था। और फिर बेसिक का गाना आया जिसने शिवजी के ऊपर गाना बनाया था, और जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। अब मुझे नहीं पता ये शो में कुछ अलग दिखा रहे हैं या तो हमको कुछ अलग दिखा रहे हैं, खुद अलग कुछ देख रहे हैं। और इस गाने में सब ने इसको 2-2 मार्क्स दिए। मतलब जितने भी आर्टिस्ट वहाँ बैठे हैं ना भाई, उनमें से काफ़ी अच्छा काम करा इसने। और फिर शैनबी का परफॉर्मेंस आता है जिससे मुझे कुछ उम्मीद नहीं थी सच बोलूँ तो। जिस बंदे से मैंने कुछ भी उम्मीद नहीं करी थी उसने काफ़ी बढ़िया गाना दे दिया भाई। और मैं चाहूँगा शैनबी भाई ऐसे ही गाने दो। बताओ तुम्हें अगर इस तरह की वीडियो और चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं और वीडियो बनाऊँगा असल के ऊपर। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। कमेंट में बताओ तुम्हें इस तरह की वीडियो और चाहिए कि नहीं चाहिए। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना चैनल बनाओ तो। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जय श्री राम।